मैं क्षितिजा फ्रॉम एमएनएस न्यूज लाइव। पेंडोल गिरने से 15 की मौत, मुआवजे का ऐलान। राजस्थान के बाड़मेर स्थित जसोल धाम में राम कथा के दौरान तेज आंधी से एक पेंडोल भर भराकर गिरा, जिससे भगदड़ के दौरान दम घुटने और करंट फैलने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हो गए। कथा के दौरान पेंडोल में करीब 400 श्रद्धालु थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना जाहिर की और आला अधिकारियों को हादसे की जांच करने, घायलों का शीघ्र उपचार सुनिश्चित करने और प्रभावितों व उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री बाड़मेर से भाजपा के सांसद कैलाश चौधरी ने अपना रांची दौर रद्द किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए, वही घायलों के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस हादसे के बाद हताहतों के परिजनों से मिलकर सांत्वना देने और घायलों से मिलने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी जयपुर से सुबह जलोक पहुंचे। अस्पताल में पीड़ितों से पूछताछ की, हादसे में मृतकों के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा थे। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। घायलों को भी अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत, इन्होंने दुख प्रकट करते हुए जोधपुर के संभाग आयुक्त कोठारी इनको घटना की जांच के निर्देश दिए। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी देवराम ने कहा, चारों तरफ लोग चीख पुकार रहे थे, मेरे सामने 3 ने दम तोड़ा। इसके पहले कथावाचक ने पेंडोल में मौजूद लोगों को पेंडोल खाली करने को कहा। बारिश के कारण टेंट में लोहे के पोल में करंट दौड़ गया, जिसने इस पोल को छुआ वह चपेट में आ गया। मेरे साथ कुछ लोगों ने चिल्लाया कि बिजली बंद करो, फिर कुछ युवाओं ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए तारों को खींचकर बिजली बंद कर दी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।